गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम समुच्चय में एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। तो बच्चे देखें इसके क्वेश्चंस क्या है। प्रश्नावली 1.5, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय यू दिया हुआ है। क्या लिखा है यू में? यू में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, तो हमको पहला जो हल करना है, क्या करना है? ए डैश। ए डैश मतलब ए का पूरक। ए का पूरक क्या होगा? यू के बे अवयव जो ए में ना हो। क्लियर? तो आप देखो जरा, यू के बे अवयव जो ए में ना हो, तो ए में अवयव है 1 2 3 4, तो यू के जो अवयव 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, बाकी अवयव लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9, ये समुच्चय के अवयव है। तो ये जो 5 6 7 8 9 है वो यू के अवयव हैं, लेकिन ए के अवयव नहीं है, तो ये ए का पूरक हो गया। इसी प्रकार आप बी का पूरक निकाल लीजिए। दूसरा, तो बी का पूरक कैसा होगा? बी के यू के बे अवयव जो बी में ना हो, तो बी में आप देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 इनको छोड़ देंगे, बाकी अवयव लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर? 1 3 5 7 और 9, यह यू के अवयव है लेकिन ए के बी के नहीं है। तीसरा देखेंगे, तीसरे में हमको ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे। ए यूनियन सी में क्या करेंगे? ए के अवयव और सी के अवयव दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए के अवयव है 1 2 3 4, और सी के अवयव क्या है? 3 4, तो लिख चुके पहले से, तो 5 और 6। अब हम ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करेंगे, तो क्या आ जाएगा? यू के बे अवयव जो ए यूनियन सी में ना हो, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक के तो सारे अवयव को अलग कर देंगे। अब बचेगा क्या? 7 8 9, तो ये आपका ए यूनियन सी का पूरक हो गया है। क्लियर? तो इसी तरह से आप सभी बच्चे सारे क्वेश्चन करेंगे और हमको चेक कराएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हमको प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय माना है, तो इसके इसमें यू क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाएंगे। अच्छा, अब इसमें पहला जो दिया है, एक समुच्चय दिया है, इसको यदि हमने a मान लिया, तो इसमें क्या है? x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8 डेड डेस। तो हमको इसका पूरक ज्ञात करना है। इसका पूरक क्या हो जाएगा? आप इसमें यू के अवयव लेंगे जो ए में ना हो, तो सम संख्या छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए 4 छोड़ दीजिए 6 छोड़ दीजिए, तो बची संख्या क्या हो जाएगी? 1 3 5 7 9, ये ये ए का पूरक हो गया। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चेक कराएंगे। हम अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमको ये कुछ दो डीमार्कस लॉ की प्रॉपर्टी है, ये हमको सिद्ध करना है, तो हम इसमें पहला करके देखते हैं। सॉल्यूशन वन, तो सबसे पहले हम इसमें ए यूनियन बी इसको ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? देखो आप, 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर?
फिर हम इसका पूरक निकालेंगे। इसका पूरक क्या हो जाएगा, यू के बे अवयव जो ए यूनियन बी में ना हो, तो एक आ जाएगा जो इसमें ए यूनियन बी में नहीं है। दो तीन चार पाँच छः सात आठ को छोड़ देंगे, दो तीन चार पाँच छः सात को, अब बच्चा क्या नौ, ये भी इसमें आ जाएगा। क्लियर। अब हमको राइट हैंड साइड में ए डैश और बी डैश फाइंड करें। पहले ए डैश, ए डैश कितना हो जाएगा, तो आप इसमें एक तीन पाँच सात नौ, और बी डैश, बी डैश में क्या होगा, एक दो तीन को छोड़ देंगे, चार पांच, पांच इसमें है तो इसलिए पांच नहीं आएगा, चार आएगा, पांच नहीं आएगा, छह आएगा, आठ आएगा और नौ आएगा। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो इन दोनों में कॉमन कौन से अवयव है वो देखना है आपको। तो यहां पर कॉमन अवयव है एक दोनों में, ठीक है, और नौ दोनों में। अब हम ये देखते हैं कि यह सेंटेंस और इस सेंटेंस में दोनों का दाया पक्ष एक सा है, इसीलिए इसका बाया पक्ष बराबर होगा, यानी ए संग बी का डैश बराबर ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। क्लियर, ये आपका सिद्ध होता है। अब इसी तरह से आप बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही करके आपको सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको इनका आलेख बनाना है, वेन डायग्राम। तो हमने बच्चों को बेन डायग्राम बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सार्वत्रिक के लिए आपको आयत बनाना पड़ेगा, फिर आपको समुच्चय ए बनाना पड़ेगा, समुच्चय बी बनाना पड़ेगा, और ए संग बी, ए संग बी क्या हो जाएगा आपका, यह ए है और ये बी है, तो ए संग बी में क्या होगा, ए और बी के सभी अवयव शामिल हो जाएंगे, और उसका पूरक, तो पूरक में आपको जो लाइन खींच रहे हैं ना उसमें जो भी अवयव आएंगे पूरक हो जाएंगे, ये यू है। तो यह जो लाइन वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, ए संग, ये लाइन वाला जो पोर्शन है वो है आपका ए संग बी का पूरक। क्लियर। तो इसी तरह से आपको सभी के वेन डायग्राम बनाना है, तो सभी क्वेश्चन करके हमसे चेक कराएंगे। थैंक यू।